तो 5 मिनट कॉन्सेप्ट में आज का टॉपिक हमारा है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो है ये हमारा एफएम का सब्जेक्ट है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जहां से D SSB में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिएगा, तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत हमारे 3 टाइप के डिसीजन लेने होते हैं हमको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन कहता है कि पैसा कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है पैसा कहां जाएगा, और डिविडेंड डिसीजन कहता है कि जो हमें प्रॉफिट होगी उसको कैसे, कितना बांटना है और कितना अपने पास रखना है। तो यही 3 डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन। इसके अंतर्गत हम लोग फाइनेंसिंग के अंदर 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट में हम लोग का 2 चैप्टर होता है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और डिविडेंड डिसीजन के अंदर भी 2 टॉपिक होता है, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड्स। तो कैपिटल बजटिंग जो है ये डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत कैपिटल बजटिंग में हम लोग ये प्लान करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में या किस एसेट्स में हमको इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि मेरे को वहां पर मैक्सिमम रिटर्न आएगा। और इस मेथड को करने के लिए, कैपिटल बजटिंग के लिए हम लोग 2 मेथड को यूज करते हैं। एक हमारा होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नॉन डिस्काउंटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। और मॉडर्न मेथड को हम लोग डिस्काउंटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। मॉडर्न मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस दिया गया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात कही गई है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग को देखने को मिलता है ट्रेडिशनल मेथड में। ओके, ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत 3 मेथड होते हैं, पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको कि हम लोग ARR के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से मॉडर्न मेथड के अंतर्गत भी 3 मेथड होते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग कहते हैं NPV, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग कहते हैं IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम लोग कहते हैं PI। ये हम लोग इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस चार्ट को आपको याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कौन सा ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट नहीं है या कौन सा मॉडर्न मेथड का पार्ट नहीं है, कौन सा नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, कौन सा डिस्काउंटिंग मेथड है, मॉडर्न मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है या नहीं होती है, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत ये मेथड्स को हम लोग पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में करना कि इसका आंसर क्या होगा। बस इस क्वेश्चन के बेस पर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको दिया है ना 5 मिनट में, इसके बेस पर आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 के PGT एग्जाम में एक। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी D SSB का कोर्स पूरा करना चाहते हैं, पूरी तरह से थ्योरी पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पेड बैच जो है वो ले सकते हैं, जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसके अलावा फिर हमारा ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, HR, मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज, ये सारा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ D SSB PGT के अपने इस बैच में, जहां पर पूरा 300 नंबर की तैयारी आपकी कराई जाएगी। कोर्स जो है वो है D SSB का PGT कोर्स, और कोड है यहाँ पर PSINGH, जाकर ये कोड को आप वहां पर अप्लाई कीजिएगा। तो ये कोर्स ओनली 2000 में आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। ओके, और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दे रही हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।